गुड मॉर्निंग राधे राधे। जैसे कृष्णा कैसे हैं आप सब, तो सब लोग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए अंधेरा कितना हो रहा है, छोटा सा तारा दिखाई दे रहा है। चलिए हम कर लेते हैं काम जल्दी जल्दी, मॉर्निंग हो चुकी है, सब काम कर लेते हैं। गए दौड़ लगाने के लिए, सब्जी रख दी है बनाने के लिए, मैं जाऊँगी नहाने के लिए। ठंड लग गया, ठंड लग गया मुझे तो, ठंड लग गया, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो मैं ना अपने जल्दी से नहा धोना पहन लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। मैं अंधेरा हो रहा है अभी, लेकिन दिन निकल आता है ना, फिर पूजा पाठ में मतलब पूजा पाठ करते लो, पर कहते सूरज निकलने से पहले पहले गुजरना तो और अच्छा रहता है, इस वजह से तो मैं ना पूजा पाठ कर लेती हूँ। मैं नहाने धोने के बाद ना पूजा पाठ कर लेते हैं। अरे वैसे देख सकते हो जमुना जी का सबसे बड़ा गाना, जरा ये कुछ ऐसे ही जमा जी। गुड मॉर्निंग राधे राधे। जय श्री कृष्ण कैसे हो आप सब, उपशतन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ देखिए आपने जमुना जी का देख लिया, हमारे घर से कितनी दूर है जमुना जी, और चौकी से लेकर के और बिल्कुल किनारे पर ही है। और यहीं देखिए निशु जो है ना, खेल रही है अपने पापा के साथ में, दादी भी हैं दादी के साथ में। बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है ये, और सुबह की पूजा पाठ हो गई हमारी। और ये वाला जो केक है ना, रुद्र के दोस्त लेकर के आए थे रुद्र के लिए, तो ये हमने उठा करके रख दिया था, और थोड़ा ना इसमें चाकू से कट करवा दिया था, क्योंकि इतने प्यार से उसके दोस्त केक लेकर के आए थे उसके लिए, इसलिए फिर हमने ये ऐसी फ्रिज में रख दिया। और वह ना निशु ने देख लिया, तो उसका मन था केक काटने का, तो हम इसके ना दोबारा से हम इसे बोल रहे थे कि निशु का हम हैप्पी बर्थडे करवाएंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो देखिए कितनी खुश हो रही है ना केक काटते हुए, और बहुत खुश हो रही है ये, यही सोच रही है कि 3 दिन से है ना मेरा हैप्पी बर्थडे हो रहा है, मनाया जा रहा है। चोरी क्या है भैया? भैया आए भैया, अरे मत रुकाओगे, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, हट हट हट, निशु के पापा है निशु के, नहीं चलो चलो चले, तेरे पापा है मत, और अंदर और रुलाओ नहीं इसे। थी मम्मी से मक्के की रोटी, क्योंकि हमारे पति देव को मक्के की रोटी बहुत पसंद है, मुझे भी और इनको भी, मतलब सभी खा लेते हैं, हमारे बच्चे भी खा लेते हैं,
तो बस मम्मी ने सभी के लिए, जिन्होंने गेहूँ की खाई थी उनके लिए गेहूँ की बना दी थी, और मैंने मम्मी से फिर मक्के की रोटी बनवाई थी, क्योंकि मुझे तो उल्टी टेढ़ी आड़ी कुछ इस तरीके से आती है। पर हाँ, जब मम्मी नहीं होती हैं तो मैं उस टाइम पर भी बना करके खा लेती हूँ और खिला भी देती हूँ। पर मैंने सोचा जब मम्मी है तो मम्मी के हाथ से ही मक्के की रोटी बना करके हम खाएँगे। तो मैं मम्मी के यहाँ से मम्मी से मक्के की रोटी बनवा रही थी। मम्मी है ना, बहुत अच्छी मक्के की रोटी बनाती है, एकदम गोल गोल और फटती भी नहीं है कहीं से भी, बहुत अच्छी बनाती हैं। और हमारी नानी थी, हमारी नानी भी तो बहुत अच्छी बनाती थी, यानी कि मक्के की रोटी में आलू वगैरह भर करके हाथ से इस तरीके से बनाती थी। और हमारी नानी भी अब खैर हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी इस तरीके से छोटी छोटी यादें वही रह जाती हैं, वही हैं, हमें इतना तो याद है। आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ आज का मैं, और टाइम नहीं मिल पाया था, और मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि रक्षित के भी एग्जाम चल रहे हैं, और जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और आप सभी अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।